वेरी गुड आफ्टरनून, जस्ट वोक अप विद ब्यूटीफुल लैब। सो मुझे पता है डेढ़ से दो महीने हो गए, एक भी वीडियोस नहीं है। चैनल हमारा जो फिलहाल यहाँ पे था वो चैनल हमारे यहाँ पे नीचे आ गया है, उसकी वजह भी मैं हूँ। अभी पता है कि उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है, मैं इतना कुछ बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि सीन ऐसा है कि मतलब जो आज का टाइटल है ना वो सबसे मेन कॉज है उसका, ये बोलूँगी बहुत फालतू कॉज है, पर ये मेरे लिए सबसे प्राइमरी है, फिर बाकी सब आते हैं। मतलब ये ज़्यादा प्राइमरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी है प्राइमरी। मतलब इसी ने सब कि मेरा जो पिछले महीने मेरे एग्जाम्स थे प्रैक्टिकल्स थे वो भी सेम के एग्जाम्स थे, तो इसके वजह से कुछ भी मतलब मैं शूट ही नहीं कर पाया। शूट किया तो फिर एडिटिंग के लिए टाइम लग जाता है, एडिटिंग के लिए इतना टाइम नहीं दे पाया मैं, तो इसके वजह से फिर ये तो एक कारण हो गया। और उसके बाद मेरा जो वन प्लस नोट 2 फ़ोन है तो आज उसको एक साल कंप्लीट हो गया है, तो उसको एक साल कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मिला कि जो फ़ोन का जो बैक पैनल है वो धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो गया है। डायरेक्टली ऑन द पॉइंट ही आ रहा हूँ मैं, तो क्योंकि जो बैक पैनल पीछे का स्टार्ट हो गया तो मैं चला गया हमारे IT सॉल्यूशन सकोला में वहाँ पे दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, कि बैक पैनल निकल क्यों रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि वो मुझे क्या बोले कि इसका जो पीछे का जो बैक पैनल है वो इसकी वजह से निकल रहा है क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो शायद से फूल रही है। तो मुझे बोला आप चार्जिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं, ये इसका 60 वाट का चार्जिंग है, इसे मैं दिन में सिर्फ एक ही बार चार्ज करता हूँ, तो भी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो फ़ोन है वो अंडर वारंटी नहीं है, पर मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी थी अवेलेबल, और जो अकोला में सर्विस सेंटर है वो एक्सक्लूसिव नहीं था। तो उन्होंने कहा आप पुणे में जाइए या दूसरे कौन से सिटी में जाइए जहाँ पे एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर हो और वहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो ठीक हो सकता है। मतलब मैंने फिलहाल मैं अकोला में हूँ, तो मैंने सोचा था कि अकोला आने के बाद अच्छे खासे वीडियोज़ बनाऊँगा, पर उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि आप फ़ोन को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। मतलब आप जब कैमरा यूज़ करो तो बैटरी पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, बैटरी सबसे ज़्यादा फिर ड्रेन होती है, फिर से उसको चार्ज करना, तो इसलिए अब मैं फिलहाल कैमरा का थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ना के बराबर। फिलहाल मुझे ये वीडियो बहुत बनाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि चैनल कुछ भी नहीं था, और आई डोंट नो मुझे ये भी वीडियो कितना चलने वाला है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ, तो आप रेगुलर नहीं हो तो आप मुझे क्यों देखेंगे ना, ये भी सही बात है। तो इसकी वजह से फिलहाल ऐसी काफ़ी चीज़ें हो रही है। अभी फिलहाल मैं जब पुणे में फिर से जाऊँगा तो पुणे में जाने के बाद फिर मैं दिखाऊँगा, फिर देखते हैं क्या होता है, सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं। पर एक साल में वन प्लस नॉट 2 में 30,000 पे किए हैं, उसके बाद भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो फिर यार आप सोच सकते हैं। ऐसे भी हमारा जो काम है वो पूरा सब पूरा सिंपल काम है, फ़ोन एक ही बार लेते हैं, अच्छा फ़ोन लेते हैं वो भी अच्छा चलना चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल वो भी नहीं चले तो फिर क्या लेके फ़ायदा इतना महंगा फ़ोन, फिर वो 15-20 हज़ार का फ़ोन भी अच्छा खासा चल रहा है 3-4, बस ऐसी कुछ बात है। तो इसके लिए इसलिए फिर मेरा थोड़ा मूड भी ख़राब था क्योंकि अकोला में यहाँ पे काम हुआ भी नहीं उसका, और उसके बाद फिर हमारे और मतलब जो चैनल है वो चैनल इतना डाउन चल रहा था कि इसकी वजह से फिर शूट करने के साथ मूड भी नहीं बन रहा था। और यार मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा बूस्टअप खुद को करना चाहिए क्योंकि चैनल तो अभी खुद की वजह से इतना डाउन हुआ है, कुछ फैक्टर्स थे अभी खुद की वजह से ऊपर तो उसको लेके जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मुझे सबसे बनाना इंपॉर्टेंट लगा कि यार ये वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा तो चैनल को बूस्ट मिलेगा, फिर धीरे धीरे और वीडियो बनाएंगे अच्छे खासे। और फिर अभी छुट्टियाँ हमारी हो गई है ख़त्म, मतलब हमें छुट्टियाँ थी ही नहीं, छुट्टियाँ सिर्फ हमें थी 3-4 दिन थी, और उसमें मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर मैं अकोला आ गया था अपने होम टाउन में। अभी फिर से 2-3 दिन में फिर से मैं चले जाऊँगा पुणे, फिर पुणे जाने के बाद फिर से आपको अच्छे क्लास से व्लॉग्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आई नो ये वीडियो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 5 ही मिनट का वीडियो है, पर मुझे जो बात कर रही थी काफ़ी दिनों से ये वीडियो के थ्रू आपसे ये बात करनी थी, तो बस आज के वीडियो के मैंने इतने ही रखा। आपको अगले वाले वीडियो में थोड़ा सा और अच्छा खासा मसाला के साथ मिलता हूँ। बाय बाय।